हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रेडिक्शन ड्रीम इलेवन में। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो इंडिया ए और वेस्ट इंडीज ए के बीच में सेकेंड टेस्ट मैच खेला जाएगा। ये मैच खेला जाएगा द कूपर एसोसिएट्स काउंटी ग्राउंड में। हम आगे बात करने वाले फर्स्ट टेस्ट मैच के स्कोर बोर्ड की। तो इंडिया ए ने पहले बैटिंग करते हुए अपने फर्स्ट इनिंग में बनाए थे 133 रन, पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी। वेस्ट इंडीज ए ने अपने फर्स्ट इनिंग में बनाए थे 383 रन, पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी। इंडिया ए ने अपने सेकंड इनिंग में बनाए थे, बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी, 609 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर, और पूरी टीम को जो है डिक्लेयर कर दिया था। वेस्ट इंडीज ए ने अपने सेकंड इनिंग में बनाए थे 245 रन 7 विकेट के नुकसान पर, और इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच में फर्स्ट टेस्ट मैच जो है ड्रॉ हो गया था। हम आगे बात करने वाले इंडिया के प्लेइंग 11 की और लास्ट मैच के प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो पृथ्वी शो फर्स्ट इनिंग में 0 पे आउट हो गए थे, लेकिन सेकंड इनिंग में बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी, 188 रन बनाए थे। मयंक अग्रवाल फर्स्ट इनिंग में 0 रन, सेकेंड इनिंग में 68 रन। सम्राट फर्स्ट इनिंग में 2 रन, सेकेंड इनिंग में 137 रन। करुण नायर जो टीम के कैप्टन है, फर्स्ट इनिंग में 20 रन, सेकेंड इनिंग में 93 रन। हनुमान विहारी 37 रन 10 रन। विजय शंकर 34 रन 13 रन, और फर्स्ट इनिंग में एक विकेट भी लिया था। श्रीकर भरत जो टीम के विकेट कीपर है, 2 रन 33 रन। जयंत यादव 0 रन 10 रन, सेकेंड इनिंग में इनको 2 विकेट मिले थे। नदीम 15 रन बनाए थे फर्स्ट इनिंग में, और देख सकते हो आप दोनों ही इनिंग में 2 विकेट 2 विकेट। नवदीप सैनी 2 विकेट 2 विकेट, और अंकित राजपूत को मिले थे 4 विकेट और 1 विकेट। तो ये प्लेइंग 11 रही थी इंडिया की फर्स्ट टेस्ट मैच में, और देख सकते हो सारे प्लेयर्स ने जो है अच्छा परफॉर्म किया था। तो हो सकता है अपने प्लेइंग 11 में इंडिया कोई भी चेंजेस नहीं करने वाला है, लेकिन जो बेंच प्लेयर बैठे अभिमन्यु, अंकित बावने, मोहम्मद सिराज और राजनीश गुरबानी, ये कुछ प्लेयर जो है बेंच पे बैठे, इनको भी मौका दिया जा सकता है, लेकिन बहुत ही कम चांसेस है। अगर हाई चांस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मोहम्मद सिराज को मौका मिल सकता है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो ग्रैंड लीग में, तो आप मोहम्मद सिराज के साथ रिस्क ले सकते हो। बाकी मुझे लगता है इंडिया अपने प्लेइंग 11 में ज़्यादा कोई भी चेंजेस नहीं करने वाला है। बाकी अगर आप जब भी ड्रीम 11 में टीम बनाते हो स्मॉल लीग या हेड टू हेड की लीग में, तो आप उन्हीं प्लेयर्स को अपनी टीम में पिक करना जिस प्लेयर ने लास्ट मैच में सबसे अच्छा परफॉर्म किया, जिससे आपका कोई भी प्लेयर मिस नहीं होगा। हम आगे बात करने वाले हैं वेस्ट इंडीज़ की प्लेइंग 11 की और लास्ट मैच के प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो जॉन ने बनाए थे 2 रन 44 रन। चंद्रपोल हेमराज ने फर्स्ट इनिंग में बनाए थे 42 रन, और सेकेंड इनिंग में ये 0 पे आउट हो गए थे। ब्लैकवुड 18 रन 61 रन। ब्रुक्स जो टीम के कैप्टन है, 91 रन 9 रन। सुनील एमरेस ने बनाए थे 128 रन, और सेकंड इनिंग में बनाए थे 42 रन। डेवन थॉम्स जो टीम के विकेट कीपर है, फर्स्ट इनिंग में बनाए थे 10 रन, और सेकंड इनिंग में बनाए थे 22 रन। और आप देख सकते हो सेकंड इनिंग में इनको एक विकेट पे मिला था। रेफल की हम बात करें तो 3 रन 10 रन, फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट लिए थे, और सेकंड इनिंग में इनको कोई भी विकेट नहीं मिला। कॉर्नवेल की हम बात करें तो सेकंड इनिंग में बनाए थे 40 रन, और इनको कोई भी विकेट नहीं मिला। वेरिकन 3 रन 4, और इनको पूरे टेस्ट में भी कोई भी विकेट नहीं मिला। लेविस की हम बात करें तो बहुत ही अच्छी इन्होंने बॉलिंग की थी, आप देख सकते हो तो 4 विकेट 4 विकेट। चेमार होल्डर 4 विकेट और 1 विकेट। तो ये प्लेइंग 11 रही थी वेस्ट इंडीज़ की लास्ट मैच में, और सारे प्लेयर्स ने जो है अच्छा परफॉर्म किया था अपने लास्ट टेस्ट मैच में। तो हो सकता है अपने प्लेइंग 11 में ज़्यादा चेंजेस नहीं करने वाली है। बाकी जो बेंच प्लेयर बैठे हैं, जसन मोहम्मद, डोमिनिक ड्रेक्स, आंद्रे मैकेटी, रोमेन पोवेल और ओसेन थॉम्स, ये कुछ प्लेयर जो है बेंच पे बैठे हैं, इनको भी किसी भी टाइम मौका दिया जा सकता है। तो आप जब भी ड्रीम इलेवन में स्मॉल लीग या हेड टू हेड की लीग में टीम बनाते हो, तो आप उन्हीं प्लेयर्स को अपनी टीम में पिक करना जिस प्लेयर ने लास्ट मैच में सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, ताकि आपका कोई भी प्लेयर मिस नहीं होगा। बाकी कोई भी न्यूज आएगी प्लेयर्स के बारे में या प्लेयर्स के इंजरी के बारे में, तो आप एक बार मैच से पहले कमेंट सेक्शन बॉक्स जरूर से चेक कर लेना। हम आगे बात करने वाले हैं कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की। पृथ्वी शो, मयंक अग्रवाल, सम्राट, करुण नायर, चंद्रपोल हेमराज, ब्लैकवुड, सुनील एम्ब्रिस और यहाँ पे ब्रुक्स, ये 8 प्लेयर आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं स्मॉल लीग और हेड टू हेड की लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस के लिए। अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो और कुछ अलग करना चाहते हो, तो हनुमान विहारी, विजय शंकर, श्रीकांत भरत, जयंत यादव, डेविन थॉम्स, कॉर्नवेल, जॉन कैंपबेल और लेविस, ये 8 प्लेयर ऐसे अगर आप ग्रैंड लीग की लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते हैं और ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आपको अच्छा अमाउंट या वन साइडली ग्रैंड लीग विन करा सकते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत ही कम लोग अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे। अगर आप अपनी टीम के हिसाब से जाना चाहते हो, तो आप इनमें से किसी को कैप्टन या इनमें से किसी को वाइस कैप्टन, या आप इनमें से किसी को वाइस कैप्टन और इनमें से किसी को आप अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन रख सकते हो, और एक आप एक बेटर टीम बना सकते हो। हम आगे बात करने वाले रिस्की प्लेयर्स बट हाई चांस विन ग्रैंड लीग, जैसन मोहम्मद, डोमिनिक ड्रेक्स, आंद्रे मैकेटी, रोमेन पोवेल, ओसेन थॉम्स, अभिमन्यु, अंकित बावने, मोहम्मद सिराज और राजनीश गुरबानी, ये 9 प्लेयर ऐसे ये आपके लिए इस मैच के लिए रिस्की हो सकते हैं। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसन मोहम्मद के इस मैच में खेलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। आंद्रे मैकेटी बहुत ही अच्छे प्लेयर है, ये भी इस मैच में इनको भी मौका दिया जा सकता है। रोमेन पोवेल ऑलराउंडर हैं,
ओसेन थॉम्स के मुझे लगता है इसमें मौका बहुत ही कम चांस में दिया जाएगा, और मोहम्मद सिराज के भी हाई चांस रहने वाले इस मैच में खेलने के। तो ये कुछ प्लेयर ऐसे हैं इनके चांसेस जो है इस मैच में खेलने के लिए बहुत ही ज़्यादा। अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो और बहुत ही ज़्यादा अगर आपकी रिस्क लेने की इच्छा हो तब आप इनमें से किसी प्लेयर्स को अपने टीम में पिक कर सकते हो। अगर वो खेलता है और अच्छा परफॉर्म करता है तो आप खुद जानते हो आपको अच्छा अमाउंट या वन साइडली ग्रैंड लीग भी विन करा सकता है। लेकिन ये सारे प्लेयर जो है रिस्की रहने वाले, तो अगर आप अपनी टीम में पिक करते हो तो अपने रिस्क के ऊपर ही अपनी टीम में पिक करना, क्योंकि ये सारे प्लेयर जो है रिस्क के रहने वाले हैं। और अगर आपको फ्यूचर में हर मैच के ऐसे वीडियो चाहिए तो आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, पास में जो बेल आइकन का बटन है आपको उसे प्रेस करना होगा, तभी मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा और आप वीडियो को आसानी से देख पाओगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक भी कर देना। हम आगे बात करने वाले ड्रीम इलेवन की टीम की, जो मैंने आपके लिए एक टीम बनाई स्मॉल लीग की और एक टीम मैंने बनाई है ग्रैंड लीग की। हम सबसे पहले बात करने वाले स्मॉल लीग की टीम की, तो यहाँ पे विकेट कीपर सेक्शन के लिए आपके पास दो एकदम सेफ ऑप्शन है, डेवन थॉम्स और कोना सीकर भरत। मैंने यहाँ पे भरत को अपनी टीम में पिक किया, आप डेवन थॉम्स को भी एकदम सेफली अपने टीम में पिक कर सकते हो। हम बात करते हैं बोल बैट्समैन सेक्शन की, तो मैंने करुण नायर, जर्मनी ब्लैकवुड, हनुमान बिहारी, सुनील एम्ब्रेस और पृथ्वी शो, इन पांच बैट्समैन को मैंने अपनी टीम में पिक किया। यहाँ पे मयंक अग्रवाल का आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है, जैसे मोहम्मद इस मैच में खेल सकते हैं, अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो तो आप इन्हें अपनी टीम में पिक कर सकते हो। ब्रुक्स का आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है, रवि कुमार सम्राट का आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है, आंद्रे मकेटी का मैंने आपको बता दिया है इस मैच में इनको मौका दिया जा सकता है, चंद्रपोल हेमराज का आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है, और यहाँ पे अंकित बावने और अभिमन्यु को आप अपनी टीम में मत पिक करना, इनके बहुत ही कम चांसेस है खेलने के। हम बात करते हैं वहीं ऑलराउंडर सेक्शन की, तो मैंने यहाँ पे रोमन रेफल और विजय शंकर, इन दो ऑलराउंडर को मैंने अपनी टीम में पिक किया। राकिम कॉर्नवेल का आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है, जॉन कैम्पबेल का आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है, और जयंत अग्रवाल का मुझे लगता है आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है, रोमन पॉल आपके लिए रिस्की हो सकते हैं। हम बात करते हैं वहीं बॉलिंग सेक्शन की, तो मैंने शहबाज नदीम, चिमर होल्डर और शेरमन लेविस को अपनी टीम में पिक किया। गुरबानी को अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो इनके ऊपर आप रिस्क ले सकते हो, बाकी मुझे नकदियों से विमिन आपके लिए एकदम सेफ से रहने वाला है। मोहम्मद सिराफ हाई चांस में इस मैच में खेल सकते हैं। जोमेल वेरिफिकन का आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन है, अंकित राजपूत का आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन रहने वाला है, और यहाँ पे ओसेन थॉम्स और डोमिनिक ड्रेस ये दोनों ही आपके लिए डाउटफुल रहेंगे। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप इनके ऊपर रिस्क ले सकते हो। हम बात करते हैं कि कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की, तो मैंने इस टीम में कैप्टन रखा करुण नायर को, जो कि बहुत ही अच्छे टेस्ट प्लेयर है, और वाइस कैप्टन मैंने बनाया पृथ्वी शो को। तो हम बात करते हैं यहाँ पे फाइनल पर्यू की, तो यही मेरी स्मॉल लीग और हेड टू हेड की लीग का फाइनल पर्यू रहने वाला है। इसी टीम के साथ में स्मॉल लीग की और हेड टू हेड की लीग खेलने वाला हूँ। हम आगे बात करते हैं ग्रैंड लीग की टीम की, तो मैंने यहाँ पे विकेट कीपर में थॉम्स को पिक किया है, करुण नायर, ब्लैकफील्ड और मयंक अग्रवाल को, इन तीन बैट्समैन को मैंने अपनी टीम में पिक किया है। यहाँ पे विजय शंकर, राकिम कॉर्नवेल और जयंत यादव को मैंने अपनी टीम में पिक किया, इन तीन ऑलराउंडर को। पोलिंग सेक्शन में अंकित राजपूत, लेविस, चिमार होल्डर और शहबाज नदीम को मैंने अपनी टीम में पिक किया। इस टीम में मैंने कैप्टन बनाया, देखिए, बॉलर अंकित राजपूत को, वाइस कैप्टन मैंने रखा है करुण नायर को। तो ये मैंने बनाई है ग्रैंड लीग की टीम। अगर आप मेरे इन्हीं टीम के साथ जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ आप खुद से एक दो प्लेयर जो है अपनी तरफ से चेंज करो, कैप्टन वाइस कैप्टन आप अपनी तरफ से चेंज करो, क्योंकि मैंने आपको सारी जो न्यूज़ है वो डिटेल में क्लियर कर दी, जिससे आप खुद से टीम बना सकते हो। अगर आप खुद से टीम बनाओगे तभी आप अच्छा विन कर पाओगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर करना, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में पूछ सकते हो, और आप मैच से पहले भी एक बार कमेंट सेक्शन बॉक्स जरूर से चेक कर लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।